अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम गुलाब की कलमें लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी सारी कलमें लगा ली हैं। ये मेरे पास कलम है। हमारी हर कलम पर कम से कम 2 से 3 आँखें ज़रूरी हैं, होनी चाहिए। और कुछ दोस्त नीचे से गोल रखते हैं और कुछ कलम तराश रखते हैं। बहरहाल दोनों तरह से रिज़ल्ट अच्छा ही मिलता है अगर आप वक्त पे लगाएं और मुनासिब वक्फे से पानी दें। तो सबसे पहले हमने पॉलीथीन बैग भरा, इसमें हमने छेद किए और भल मिट्टी भर दी। और कलम ये जो है मेरे पास, अब इसके 2 हिस्से हमने ज़मीन में दबा देने हैं, एक हिस्सा बाहर रखना है, मतलब तीसरा ऐसा। अभी आप देख सकते हैं ये मैं कलम लगा रहा हूँ, ये हमारी कलम लगी, 2 हिस्से ज़मीन में, एक हिस्सा बाहर। कलम लगाते वक्त इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी कलम इतनी लंबी ना हो कि वो नीचे हमारा पॉलीथीन बैग या शापर क्रॉस कर जाए। कलम लगाने के बाद हमने इसे फौरी पानी देना है, अच्छी तरह पानी देना है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, हम इसे फ्लड करके पानी लगाएंगे। और इसके बाद इसके ऊपर अगला प्रोसेस पॉलीथीन शीट है, वो भी थोड़ी देर बाद आपको लगा के दिखाते हैं। अब हमने इसके ऊपर पैनल लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। और इस पर अब हमने शापर डाल देना है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह हमने इसको कवर कर देना है। ये अब हमने इसके ऊपर पैनल लगा दिया है। तो इसका मकसद ये होता है कि हमारी जो कलम होती है इसको हीट मिलती है और ये जल्दी इसकी जो होती है फोड़ निकल आती है और जड़ जल्दी बन जाती है। अब हमने इसे पानी लगा दिया है तो इसमें शापर की वजह से, ऊपर बंद होने की वजह से, इसमें नमी काफ़ी देर तक बरकरार रहेगी। तो अगला पानी हम इसे तब ही देंगे जब ये हमारी मिट्टी होगी, हमें लगेगी कि ये ऊपर से खुश्क हो गई है। यानी कि अब हम इसे कम से कम 20 दिन बाद ही चेक करेंगे और फिर जब इसे पानी की ज़रूरत होगी तब ही पानी देंगे। ओवर वाटरिंग से ये जो कलम होती है नीचे से काली होके गल जाएगी। हमने जो कलमें लगाई थी उनको आज तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी कलमें माशाल्लाह से स्प्राउटिंग करना शुरू हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी कलमें सारी की सारी चल गई हैं। एक मिनट चुप कर रहा जी, मैं पूरी बढ़ा के ना। हमने इनको पानी एक ही लगाया है और उसके बाद हमने दोबारा पानी अभी तक नहीं दिया। पानी हम इनको तब देंगे जब हमें लगेगा कि हमारी ये जो मिट्टी है नीचे वाली ये खुश्क हो रही है, अभी तक इसमें नमी बेहतरीन है। और हमने पैनल ऊपर से नहीं उतारना अभी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमें कोई भी ऐसी कलम नज़र नहीं आ रही जो ऊपर से खुश्क हुई हो या जिसने स्प्राउट शुरू ना की हो। हमने जो कलमें लगाई थी गुलाब की उनको तकरीबन 1 माह से कुछ दिन ऊपर हो चुके हैं और इनकी आप ग्रोथ चेक कर सकते हैं। हमारी कलम तकरीबन 99% चली है।
ये कलम खुश्क हुई है और ये जो नीचे से ब्लैक होकर खुश्क होती है तो इसे एक्स्ट्रा नमी मिल जाती है। हो सकता है इसके बैग में जो छेद थे वो शायद कम हो इस वजह से। बाकी आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये कली भी निकल रही है। इसके ऊपर हमने टनल बनाया था ये सरिया और धागा की मदद से। अभी हमने शापर उतार दिया। इस सारे अरसे में हमने पानी से टोटल 2 दिए हैं, ओवर वाटरिंग नहीं की। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।